मुकेश कुमार सिंह और बिहार के तमाम ईंट भट्टों के मालिकों पे ये चाबुक है और ये चाबुक उनको सुनना चाहिए। मैं आज मेरे साथ संजीव भाई हैं। क्या संजीव भाई, क्या हाल चाल है आपको? नमस्कार। संजीव भाई, आप जो है ये भट्टा आपका है, कैसे हजार आप ईंटें बेचते हैं? 4800 रुपये हजार। 4500 भी बेचते हैं? 4500। सर मान लीजिए, सुन रहे हैं आप, 4500 रुपये हजार। 4800 रुपये हजार, यही है ना? एक नंबर का, एक नंबर। जहाँ पे बिहारों में दलालों की वजह से, बिहारों में लोगों को शोषण करने की वजह से एक ईंट की कीमत 11 रुपये और 14 रुपये है। आप दरभंगा साइड में, मधुबनी साइड में जाइए तो 14 रुपये की है, और मोतिहारी साइड में जाइए तो 11 रुपये की एक ईंट है। मतलब 11000 का 1000 मिलता है। अब आप समझ सकते हैं कि एक टेलर पर 2000 ईंट आती है, करेक्ट है? और 2000 ईंट की कीमत कितना हो गया? 22000 बिहार में हो गया। और अगर आप वहीं मधुबनी साइड में जाएंगे तो 28000 हो गया। लेकिन आप अगर वही चीज़ जो है लेके आप राजस्थान में आइएगा, और राजस्थान के आस पड़ोस के राज्य जो हैं, हरियाणा है, तो वहाँ पे आपकी कीमत जो है 3500 रुपये भी हजार है, करेक्ट है सर? चार हज़ार रुपये 3500 रुपये हजार है। तो आप समझ सकते हैं ईंट की भी साइज वही है, भट्ठा वही है, चिमनी वही है, चिमनी का छेद भी वही है जहाँ से धुआं निकलता है। फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ के जो चिमनी वाले हैं उनका धुआं ज़्यादा निकलता है, हमें ऐसा लगता है कि आम जनता को शोषण करने के लिए हरदम तत्पर रहते हैं, मानते हैं सर? बिल्कुल। तो बिहार में ईंट की कीमत कम होनी चाहिए ना? हाँ, कम होनी चाहिए। अगर आपको बिहार में ईंट की कीमत कम कराना है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और उन ईंट भट्टे की मालिकों को मैं कहना चाहूँगा कि शर्म कर लो आप लोग, बिहार के लूटना बंद कर दो। मिट्टी भी वही है, कोयला भी वही है। कोयला आप डालते हैं? कोयला डालते हैं ना? तूड़ी डालते हैं, कोयला डालते हैं, तूड़ी डालते हैं, और सेम ईंट भी वही लगता है मकान में। और मैं कहता हूँ कि दावे के साथ कह सकता हूँ, राजस्थान में जो कंस्ट्रक्शन है, बिहार में वैसा कंस्ट्रक्शन नहीं है, और इस पर हजार नहीं लाखों करोड़ों रुपये के चैलेंज में ठोक सकता हूँ। और अगर आपको मेरी बात समझ में आती है तो बिहार के जितने चिमनी और भट्टे के मालिक हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि अपने अंतरात्मा से सोचें कि ये पैसा एक रुपया भी यहाँ से नहीं ले जा सकते हैं। तो समाज को बदलना है तो ईंट का रेट थोड़ा डाउन करें। मजदूर भी यहाँ के बिहार से आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, ना कि ये राजस्थान के हैं ना ये हरियाणा के हैं। तो जब मजदूर के हजारों किलोमीटर दूर चल के आप आके यहाँ नौकरी कर सकता है, वही मजदूर वहाँ पे करने के बावजूद भी ईंट का रेट क्यों ज़्यादा है, इस पर सोचने वाली बात है। बाकी मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, अगर आप चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ऐसे ईंट भट्टे के मालिकों को रिलाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जरूर आप बताइएगा। जय हिंद।